टोटल 57 गाय, 57 को है। हाँ टोटल 57 हाँ गाय, 39 दूध देने वाले हैं, बाकी बची यार 39 गाय। मैं आपको बता दूं कि 39 गाय दूध देने वाली है। टोटल दूध कितना होता है एक दिन में, टोटल दूध कितना होता है? 375 केजी। 375 केजी टोटल। सब सब इतनी गाय है यहाँ से लेकर वहाँ तक, सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग है। अच्छा, सब भी आने वाली है टोटल इधर। हाँ टोटल बच्चा देने वाली, ये सब बच्चा देने वाली गाय है। हाँ। इधर जितना भी है सब बच्चा देने वाली। इधर से आपको जैसे 6 महीने, 4 महीना, 5 महीने के सब प्रेगनेंट है। अच्छा, सब दूध दे रही है लेकिन प्रेगनेंट है। ओ उस साइड में सब सीमन खा चुकी है 3 महीना 2 महीने के, सब दूध दे रही है। अच्छा अच्छा, और उधर एक क्या है वो गाय? सब गाय के लाइन है उधर उधर। अच्छा अच्छा, इन्हीं से हम लोग जैसे कि क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, इन्हीं से क्रॉस, सब इन्हीं का बच्चा है। जो बाहर जितने बच्चे हैं, हाँ, हाँ, जो भी जो तैयारी हुआ है, हाँ, हाँ, सब इन्हीं का बच्चा है। सब इन्हीं का बच्चा। हाँ। अच्छा, घर का बच्चा है ये। तो इसको भी खान पान हाँ, देते हैं? खान पान इसका भी, जैसे गाय जैसे दूध देती है, हाँ, हाँ, उसी की तरह इसको भी जैसे खान पान रहता है, खान पान इसको भी देते हैं। घर का बच्चा है। डेयरी फार्म कितने दिन से चलती है? इसका हो गया 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। तो जब शुरुआत हुआ था तो कितना गाय था इसमें? गाय उसके स्टार्टिंग में आया था 8। 8 गाय स्टार्ट हुआ, 8 से आज इतना प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ है। अच्छा स्टार्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं उमेश यादव ब्लॉगर। दोस्तों मैं एक डेयरी फार्म में आया हूँ और मैं अभी पटना में हूँ दोस्तों, और ये पटना दानापुर पड़ता है। दानापुर के जस्ट बगल में ये डेयरी फार्म है और ये डेयरी फार्म का नाम है उज्ज्वल डेयरी फार्म। ठीक है, अभी यहाँ पे 50-60 गाय इस डेयरी फार्म में पाली जाती है। अभी मैं यहाँ के स्टाफ से जानकारी लेने की प्रयास करूँगा और इनसे बात करने की प्रयास करूँगा कि यहाँ पे अभी कितना गाय दूध देती है, ठीक है, और कितना दूध हर रोज़ निकलता है और क्या खर्च लगता है, क्या क्या खिलाते हैं गाय को, ये सारी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। आइए भैया इधर इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज यादव। आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार। रवि कुमार जी। अच्छा, तो अभी फिलहाल कितना गाय है यहाँ पे? 60-70 पशु है टोटल। कितना है? 60-70। 57 टोटल। 57 57 को है। हाँ टोटल 57 गाय, 39 दूध देने वाले हैं, बाकी बची यार 39 गाय। मैं आपको बता दूं कि 39 गाय दूध देने वाली है। टोटल दूध कितना होता है एक दिन में? टोटल दूध कितना होता है? 375 केजी। 375 केजी टोटल दूध होता है टोटल। अच्छा, हाँ टोटल टोटल अमाउंट। अच्छा, दूध का क्या कीमत होता है यहाँ? 55 रुपये केजी है। 55 रुपये। 55 रुपये। हाँ, तो यहाँ के व्यापारी ले जाते हैं या फिर कौन? कस्टमर काउंटर से। काउंटर से जाते हैं कस्टमर, आते हैं केतली से अपने यहाँ पर, काउंटर से तोलाता है तब जाता है। काउंटर से तोलाता है तब जाता है। अच्छा, तो गाय को मतलब क्या क्या खिलाते हैं? फीड हो गया अपना, रहर चुन्नी हो गया, मक्का हो गया, रहर चुन्नी मक्का हो गया, बेसन हो गया, चना का बेसन हो गया, मीठा मीठा हो गया। अच्छा, मीठा भी देते हैं। तो इसको दूते कैसे हैं, मतलब खुद से दूते हैं? हाँ, खुद से दूते। हाथ से ही दूते। हाँ। कितना टाइम लगता है दूने? बस डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा लगता है पशु को? डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा टोटल पशु में? 10 मिनट। एक पशु में 10 मिनट? 10 मिनट 7 मिनट ऐसा लगता है। अच्छा, 10 मिनट 7 मिनट लगता है। तो टोटल खर्च क्या हो जाता होगा एक दिन का? खर्च क्या होता होगा? खर्च आइडिया नहीं, तो मान लीजिए पर डे का तो सर खर्चा 5,000 से कम बैठता होगा। कितना होगा खर्च? 5,000 लग जाता है। 5,000। अच्छा, अभी दूध टोटल जो सेल होता है एक दिन में वो कितना बोले आप? 370-375। 370-375 लीटर हर रोज होता है। अच्छा, तो 370-375 लीटर हर रोज यहाँ पे दूध सेल होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उधर एक क्या है वो गाय? सब गाय के लाइन है उधर उधर। वो सार है। अच्छा, बुल भी रखे हुए है? ओ यही का है यो? हाँ, इन्हीं का है, फार्म का ही बच्चा है वो। अच्छा अच्छा, इन्हीं से हम लोग जैसे कि क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, इन्हीं से क्रॉस? सब इन्हीं का बच्चा है। जो बाहर जितने बच्चे हैं, हाँ, हाँ, जो भी जो तैयारी हुआ है, हाँ, हाँ, सब इन्हीं का बच्चा है। सब इन्हीं का बच्चा। अच्छा, घर का बच्चा है ये। तो इसको भी खान पान देते हैं? खान पान इसका भी, जैसे गाय जैसे दूध देती है, उसी की तरह इसको भी जैसे खान पान रहता है। खान पान इसको भी देते हैं? घर का बच्चा है। तो इसको बुल को रखे हुए है ना? तो ये कब से है, ये कितना दिन से? ये हो गया हम लोग के पास 4.5 साल से। 4.5 साल से। ये डेयरी फार्म कितने दिन से चलती है? इसका हो गया 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। तो जब शुरुआत हुआ था तो कितना गाय था इसमें? गाय उसके स्टार्टिंग में आया था 8। 8 गाय स्टार्ट हुआ था। 8 से आज इतना प्रोजेक्ट पर खड़ा हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग में 8 गाय से शुरुआत हुई स्टार्ट हुआ। अच्छा,
तो कोई परेशानी होता है क्या इसमें? क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी होता है, जैसे कि मान लीजिए FMD का बीमारी हो गया तो टाइम टू टाइम वैक्सीन लगता है, तो हम लोग का जैसे कि सरकारी डॉक्टर आते हैं अपना टाइम टू टाइम वैक्सीन कर देते हैं, जो हम लोग खुद लगा लेते हैं। और मेसेटाइट का प्रॉब्लम हो गया, थनाइल का प्रॉब्लम हो गया, ये सब का टाइम टाइम ध्यान देना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि मेसेटाइट हो गया, थनाइल आ गया, दूध में छिटी आ गया, वो सब का ध्यान देना पड़ता है। और क्या, अच्छा, उसको टाइम टाइम दवा लगाना पड़ता है। तो अभी टोटल 57 गाय है ना? 57 गाय, टोटल 57 गाय है सर। सब इतनी गाय है यहाँ से लेकर वहाँ तक सब प्रेगनेंट है। अच्छा, सब आने वाली है टोटल इधर? हाँ, टोटल बच्चा देने वाली है। ये सब बच्चा देने वाली गाय है? हाँ। इधर जितना भी है सब बच्चा देने वाले? इधर से आपको जैसे 6 महीने, 4 महीना, 5 महीने के सब प्रेगनेंट है। अच्छा, सब दूध दे रही है लेकिन प्रेगनेंट है। ओ, उस साइड में सब सीमन खा चुकी है 3 महीना 2 महीने के, सब दूध दे रही है। अच्छा अच्छा, सब ये सभी वही बूल का बच्चा है टोटल जितने हैं। और यहाँ सब सब उधर भी हैं, सब बच्चियाँ हैं। अच्छा, बूल का बच्चा है। तो धीरे धीरे ये डेवलप कर रहा है ना? सब इन्हीं के बच्चा है। ये यहाँ पे इस फॉर्म में 57 गाय टोटल पाली जाती है और 375 लीटर दूध हर रोज सेल होती है, राइट? यहाँ पे जैसा यहाँ के जानकारी, यहाँ के जो भी स्टाफ लोग हैं उन वो बताने की प्रयास किए, जो भी ये जानते हैं वो बताने की प्रयास किए, और मैं आपको ये चीज़ दिखाने की प्रयास किया। बाकी ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।